क्या नाम है आपका? आसमा। क्या हो गया है आपको जो आप यहाँ शिकायत करने आए हैं? हमारी घर की जमीन है, हमारे चाचा ने कब्जा कर लिया, हमें देने को तैयार नहीं है और दे भी रहा है तो पुलिस समझौता बहुत गिरे रेटों में करवा रही है। कर रहा है समझौता, कितने गिरे रेटों में समझौता करा रही है। वो कह रहे हैं आप चाचा की बात मान लो, हम किसी और को देने को कह रहे हैं तो वो भी नहीं बात मान रहे कि तुम आप सबकी बातों में आ रहे हो, चाचा की बातों में नहीं आ रही हो। चाचा से समझौता कर लो, इतने मिल रहे हैं तुम्हें, नहीं तुम मुकदमा करोगे, कोर्ट कचहरी भागोगी तो पैसा बहुत उठेगा। जो है बहुत सी बातें उनने हमें पढ़ाई। यहाँ कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? यहाँ चौथी बार अब आए हैं। थाने में क्या कहा? थाने में भी चौथी बार परसों पहुँचे हम। कौन से थाने में फैसला करवाया? बिथरी चैनपुर, वही थाना लगता है उल्ला जागीर का। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप समझे चाह रहा हूँ, हमें इंसाफ चाहिए कि इंसाफ मिले। ऐसे वो हर चीज की धमकी देता है, डीएम एसपी मंत्री के सबकी धमकी दी है उसने, उसके बच्चों ने, वो हमसे सल्लू की बहुत बुरी करी है कि बस जवान बोले फोड़ा ले लेके लिपट रिया मारने के लिए और देवी पिलाने के 1,00,000 रुपया दे के मरवा दूं उन्हें। भीतरी पुलिस क्या कह रही? भीतरी पुलिस कुछ नहीं गई आपके सामने, वो हमारी ग्राम जो भी गालियों की शिकायत कर रहे हैं वो उस बात को समझ नहीं पा रहा है कि वो तुम्हारे सामने दी, हमने कहा हमारे सामने, हम सब मारन को लिपटे, अब तो हम जा ही नहीं रहे। जैसे वहाँ पर प्रधान की इन भी भेजा, वहाँ पर भी हमें क्या कहा पहुँचे नहीं, जे दूसरी पार्टी नहीं पहुँची, हम पहुँचे रहे तो हमने 2-3 घंटे प्रधान की इंतजार करा, प्रधान भी नहीं समझौता करा पा रहे हैं, उसको भी गाली मिल रही है। एसएसपी ने क्या कहा? एसएसपी ने भी अभी यही कहा कि आप पुलिस नहीं करा पाएगी समझौता।